नमस्कार, मैं गुनगुन आप सभी का स्वागत करती हूँ IIMT मीडिया के विशेष कार्यक्रम हिस्ट्री ऑफ द डे में। यूनेस्को ने पहली बार आज के दिन मनाया था विश्व साक्षरता दिवस। प्रत्येक वर्ष 8 सितंबर को विश्व साक्षरता दिवस मनाया जाता है। यूनेस्को ने शिक्षा को बढ़ावा देने और शिक्षा का महत्व लोगों को बताने के उद्देश्य से इसकी शुरुआत करने का फैसला किया था। विश्व साक्षरता दिवस मनाने का यह फैसला 17 नवम्बर 1965 को लिया गया था। इसके अगले साल 8 सितंबर 1966 को पहली बार विश्व साक्षरता दिवस मनाया गया था। तभी से प्रत्येक वर्ष 8 सितंबर को साक्षरता दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। आज के दिन हुआ था प्रसिद्ध पार्श्व गायिका आशा भोसले का जन्म। आशा भोसले हिंदी फिल्म जगत की मशहूर पार्श्व गायिका हैं। उनका जन्म 8 सितंबर 1933 को महाराष्ट्र के सांगली में हुआ था। वह फिल्म इंडस्ट्री में आशा ताई के नाम से भी जानी जाती हैं। उनकी विशेषता है कि उन्होंने शास्त्रीय संगीत, गजल और पॉप संगीत पर क्षेत्र में अपनी आवाज का जादू बिखेरा है। आशा भोसले ने अब तक के अपने फिल्मी सफर में 16,000 गानों में आवाज दी है। वह सिर्फ हिंदी में नहीं बल्कि मराठी, बंगाली, गुजराती, पंजाबी, तमिल, मलयालम, अंग्रेजी और रूसी भाषाओं में भी गाने गाती हैं। मालेगांव में आज के दिन हुए थे सीरियल ब्लास्ट, 37 लोगों की गई थी जान। 8 सितंबर 2006 को महाराष्ट्र के नासिक जिले के मालेगांव में बम विस्फोट हुए थे, जिसमें 37 लोगों की जान गई थी, जबकि 125 से अधिक लोग घायल हुए थे। रिपोर्ट के अनुसार इस विस्फोट के लिए 2 साइकिलों का इस्तेमाल किया गया था। इस घटना के बाद शहर में कर्फ्यू लगा दिया गया था और हिंसा को रोकने के लिए संवेदनशील क्षेत्रों में राज्य अर्धसैनिक बलों को तैनात कर दिया गया था। इस घटना की जांच महाराष्ट्र ATS ने की थी। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के पति फिरोज गांधी का आज के दिन हुआ था निधन। 8 सितंबर 1960 को राजनेता व पत्रकार फिरोज गांधी का हृदयाघात से निधन हो गया था। वह लोकसभा के सदस्य भी रहे। 1942 में उनका विवाह इंदिरा गांधी से हुआ था, जो बाद में देश की प्रधानमंत्री बनी। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान इंदिरा गांधी और फिरोज गांधी साथ में जेल भी गए थे। 1949 में इंदिरा गांधी अपने दोनों बच्चों राजीव और संजय गांधी के साथ अपने पिता जवाहरलाल नेहरू के घर आ गई थीं। इसके बाद फिरोज गांधी ने सरकार के खिलाफ आंदोलन छेड़ा और कई बड़े घोटालों का पर्दाफाश किया था। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर भेंट होगी इतिहास में दर्ज कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। अब तक के लिए देखते रहिए और सब्सक्राइब कीजिए IIMT मीडिया।